Hello everyone, this is class 9 maths chapter 2 polynomials. So today we will solve exercise 2.1 question 5. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. So linear polynomials matlab unka jo variable hai wo sirf 1 ho. Quadratic polynomials yani ki us polynomial mein jo variable hai uska jo degree hoga wo 2 aur cubic yani ki उस पॉलिनोमियल में जो उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 3। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो है 2, तो यानी कि क्वाड्रेटिक। सेकंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यानी कि इसकी जो डिग्री है वो है 3, तो यानी कि क्यूबिक। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो यानी कि क्वाड्रेटिक। 1 प्लस x, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी लीनियर, तो ये होगा लीनियर। तो फिफ्थ है 3t, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 1, यानी कि लीनियर। सिक्स है आर स्क्वायर, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी 2, तो विच इज़ क्वाड्रेटिक। और लास्ट है 7x³, तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 3, तो यानी कि क्यूबिक। सो दिस वाज द वे वी सॉल्व क्वेश्चन 5। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। होप यू गाइस लाइक इट, डू शेयर इट एंड डू कमेंट, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल आस्क एंड स्टडी। थैंक यू।